आज का विचार है प्रिय दोस्तों कि अगर आज आप अपने वर्क प्लेस को, अपने ऑफिस को, अपनी दुकान को, अपनी फैक्ट्री को या अपने क्लिनिक को शांत रखना चाहते हैं तो कृपया यह आज निश्चित कर लें कि घर से निकलने से पहले क्या घर का आपका सारा सामान शांत था? क्या आज आपकी सारी संपत्ति शांत थी? क्या आज नहाने के बाद आप अपना टॉवल सूखने डाल आए थे? क्या वॉशरूम से निकलने से पहले आपने अपने कॉलगेट शेविंग क्रीम और शैम्पू की बॉटल के ढक्कन लगा दिए थे? क्या आप वॉशरूम से निकलने से पहले वाइपर लगा आए थे? क्या आप तैयार होने के बाद अपने अन्य कपड़े, अपनी अन्य टाइयां, बेल्टें, जुराबें, नाइट सूट आदि घर में बिखरे तो नहीं छोड़ आए? क्या ब्रेकफास्ट करने के बाद आपके बर्तन डाइनिंग टेबल या सेंट्रल टेबल पर ही तो नहीं पड़े रह गए? क्या आपके पौधे आज प्यासे ही तो नहीं खड़े रह गए? क्या आज अपना बिस्तर बनाना भी भूल गए? क्या आज जल्दी में आप अपने माता पिता के कमरे में भी नहीं गए, उनके पैर भी स्पर्श नहीं किए? क्या जल्दी जल्दी में अपने जीवन साथी को प्यार भरी जप्पी देना भी भूल गए? प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर इन सारे सवालों में आपके 50% जवाब भी हाँ में है तो आपको आज वो सफलता नहीं मिलने वाली जिसके आप हकदार हैं। प्रिय दोस्तों, मैं माफी चाहता हूँ यह कहते हुए कि आप आज सारा दिन अशांत रहने वाले हैं। आपका वर्क प्लेस या ऑफिस भी अशांत ही रहने वाला है क्योंकि भूलवश आप अपने घर में तमाम सामान और तमाम परिसंपत्ति को अशांत छोड़ आए हैं। तो आइए प्रिय दोस्तों, आज इस विचार को पकड़ें और एक शांतमयी घर से अपनी यात्रा शुरू करें और एक शांतमयी वर्क प्लेस की अभिलाषा करें। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो, मेरी आज वाहेगुरु जी के आगे अरदास है। धन्यवाद प्रिय दोस्तों, मेरा आभार प्रिय दोस्तों।